ये देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी का आटा है। मैं आपको कैसे दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है आपके लिए बिल्कुल ही अलग रहने वाली है, क्योंकि आज आपको दिखाने वाला हूँ कमाल की आटा चक्कियाँ। आटा चक्कियाँ तो आपने देखी हैं, लेकिन सिंपल आटा चक्कियाँ ये नहीं रहने वाली, ये बिल्कुल डिफरेंट रहने वाली हैं। आप लेना चाहते हैं अपने घर के लिए, आप लेना चाहते हैं रोजगार कमाने के लिए, तो हर तरीके से आप इनको काम में ले सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर ये तरह तरीके के जो अनाज है ना वो रखे हुए हैं। हल्दी की बात कर रहे हैं, चने की बात कर रहे हैं, गेहूँ, मक्का, बाजरा, धनिया, चावल, दालें आपकी या आपकी काली मिर्च वगैरह, सारी चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं। लाइव डेमो के साथ में आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं कि ये मशीनें काम किस तरीके से करती हैं और आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल रहने वाली हैं। अगर आप एक किसान हैं, घर पे यूज़ में ले सकते हैं, आप एक युवा हैं, रोजगार कमाना चाहते हैं, तो इनके साथ वो भी कर सकते हैं। तो सारा कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल भाई और उनके मिसेज। सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय आपके साथ में करा देता हूँ। नमस्कार राहुल भाई। नमस्कार समझ जी, नमस्कार। सामने से जो आपको दर्शक भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय करा दो अपना। नमस्कार मेरे भाइयों, मेरा नाम है राहुल छिब्बर, मैं और मेरे छोटे भाई साहब पादुल जी, हम दोनों भाई पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपूरा, वहां पे हमारी कंपनी है छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स के नाम पे जी। दोस्तों हमारी कंपनी में ढेरों उपकरण है जिससे आप अपना काम तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उन उपकरणों को आप लगा के अपना खुद का रोजगार, खुद का ब्रांड बना के मार्केट में उतार सकते हैं जी। उसी क्रम में जैसे अभी समित भाई ने आपको बताया, आज आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप अपना ब्रांड तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने घर में, अपने परिवार में, अपने चाहने वालों के लिए, बूढ़े से लेकर बच्चों तक का हर एक क्या स्वास्थ्य का भी ख्याल आप रख सकते हैं। बिल्कुल राहुल भाई, सबसे पहला सवाल तो मेरे दिमाग में यही आता है निकल करके कि ये जो आइडियाज हैं कुछ नया, कुछ यूनिक करने का, ये आइडियाज कहाँ से निकल करके आते हैं? सुमित भाई, इस सब का श्रेय जाता है मेरे जो छोटे भाई साहब हैं पादुल जी। जी, वो बहुत इनोवेटिव रहते हैं, उनके दिमाग में यही रहता है कि जो मेरे किसान भाई हैं, खास करके बहने हैं या माताएं हैं जी, जो युवा जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कैसे कैसे नए उपकरण लेके आए जाएं, और उपकरण भी ऐसे रेट में लेके आए जाएं जिनसे उनकी जेब पे भी ज्यादा बोझ ना लगे और वो बहुत अच्छा खासा अपना मुनाफा या लाभ कमा सके। अब राहुल भाई बात करेंगे इन मॉडल्स के बारे में, सबसे पहले बात करूंगा मैं इसके बारे में। तो ये जो मॉडल है राहुल भाई, ये तो मैं चक्की का इसको सेफ कहूंगा। बिल्कुल चीमा जी, ये जो मॉडल है ये स्पेशली हमने डिजाइन किया है डोमेस्टिक तौर पे। देखो जेंट्स लोग अपने काम पे चले जाते हैं, बिल्कुल घर पे रहना होता है गृहणियों को, बिल्कुल। और जब घर की बात होती है तो सेफ्टी फीचर भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार बच्चे आ जाते हैं और बच्चे जो हैं बहुत शरारती भी होते हैं, बिल्कुल कभी उन्होंने एक चीज को छेड़ दिया। अब चक्की में अगर कहीं हाथ आ जाए या कुछ आ जाए तो मन में एक डर लगा रहता है, बिल्कुल, कि घर पे हम चक्की लगाए कहीं बच्चे का कुछ हाथ ना आ जाए या कुछ ना हो जाए। तो हमने ये कैबिनेट फॉर्म में वुडन आटा चक्की के नाम पे इसको कहा जाता है। जो ये चक्की ये आप देख रहे हैं, देखने में आपको ये कैबिनेट लग रही है जी, लेकिन दोस्तों ये आपका प्रॉपर आटा चक्की और दलिया बनाने का काम करेगी जी। इसमें अगर आप देखें, इसका ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, यहां से आपने अनाज डालना है और अनाज जो आगे से पिस के इस गेट को खोलेंगे तो नीचे इसका जो कंटेनर है उसमें जो आपका आटा पिस के आता रहेगा जी। ये जो मॉडल है इसमें दो दो सेफ्टी फीचर भी हमने लगाए हुए हैं। पहला सेफ्टी फीचर है जब ये चक्की ऑन करेंगे, अभी मैं आपको लाइव वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये देखिए जैसे ही ये चक्की हमने ऑन की, ये अभी इसका साइरन बज रहा है, जब तक इसमें अनाज नहीं जाएगा इसकी चक्की स्टार्ट नहीं होगी जी। अनाज आने के बाद ही इसकी चक्की स्टार्ट होती है। और सेकंड जो इसमें सेफ्टी फीचर है, अगर मान लो आपकी चक्की चल भी रही है और अचानक कोई मान लो बच्चा या कोई गलती से आगे से ये डोर खोल भी देता है जी, तो साथ के साथ ही आपकी चक्की वहीं पे रुक जाएगी जी। ये इसमें जो खास सेफ्टी फीचर है वो हमने डिजाइन करके इंप्लांट करवाए गए हैं। अब राहुल भाई बाद में करूंगा, इसके अंदर मोटर भी लगी हुई होगी, बिल्कुल। तो कितने किलोवाट की मोटर है और खपत कितनी करेगी? चीमा जी, ये जो मॉडल है इसमें हमने 1 HP की सिंगल फेज की कॉपर वाइंडिंग की मोटर लगाई हुई है जी। और अगर बिजली कंजप्शन की बात करें तो घंटे का 1 यूनिट से भी कम वो बिजली कंज्यूम करेगी जी। और वहीं अगर इसकी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रति घंटे ही आपका 8 से लेकर 10 KG तक का अनाज है या दलिया बनाना है वो आपको पिस के देगी ये। यानी कि मेरा कोई भी दर्शक भाई है वो चाहता है कि अपना काम संतुष्टि से हो जाए, घर पर मैं अपने जो भी आटा दाल पीसनी है वो घर पे पिसाई कर लूं, तो उनके लिए बिल्कुल जबरदस्त प्रोडक्ट ही रहने वाला है। क्योंकि बाजार से देखो हम कोई मसाला लेके आते हैं, हमें उसमें शुद्धता की या मिलावट की कोई गारंटी नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हम अपनी आंखों के सामने जो डालेंगे वही पिस के नीचे से रेडी हो जाएगा, बिल्कुल। फिर वो वाली झंझट भी खत्म हो जाएगी कि एक बोरे में अनाज डालें लेकर के जाएं, चक्की वाला कह दे कि अब लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी, प्लस एक साफ या शुद्ध आटा किसान खा सकता है, बिल्कुल जी। अगले मॉडल की बात करूंगा राहुल भाई, तो इसके बारे में मेरे दर्शक भाइयों को जागरूक कराएं।
दोस्तों उसके बाद ये जो मॉडल आ जाता है 2HP का सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग में ये मॉडल है जी। इसमें 2HP की मोटर लगी हुई है, इसमें आपका हर किस्म का अनाज जैसे आप नीचे देख रहे हैं, मैंने अभी डेमो में आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, इसमें हल्दी तक का भी आप बहुत आसानी से पीस सकते हैं जी। किसी भी किस्म का आपने मोटा जैसे हल्दी होगी, दालचीनी होगी, जड़ी बूटियां जैसे अर्जुन की छाल वगैरह पिसनी है वो आगे की साइड से जाएगा ये हॉपर में से, और अनाज या दलिया पिसना है तो यहाँ से आएगा जी। सेफ्टी फीचर की बात करें तो हर एक मॉडल में MPL मीटर लगा हुआ है, साथ में MCB स्विच की ऑप्शन है, अगर पीछे से वोल्टेज या लाइट फ्लक्चुएट होती है तो साथ के साथ आपका MCB ट्रिप हो जाएगा जी। अब अगर इस मॉडल की प्रोडक्शन की बात करें, जो 2HP वाला मॉडल है दोस्तों, इसकी प्रति घंटे की प्रोडक्शन आती है 18 से लेकर 20 KG प्रति घंटे की प्रोडक्शन है जी। और वहीं अगर बिजली कंजप्शन की बात करें तो घंटे का मात्र आपका 1.5 यूनिट के करीब ये बिजली कंज्यूम करेगी। अगले मॉडल की बात करूंगा राहुल भाई, मॉडल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो ये जो मॉडल है इसके अंदर क्या यूनिक फीचर्स डाले गए हैं? चीमा जी उसके बाद ये जो मॉडल आ जाता है जिनको और ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए, चाहे कोई किराना की शॉप वाला है या बंसारी की शॉप में है, वो चाहते हैं कि हमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए, बिल्कुल, तो ये 3HP का मॉडल हमने तैयार किया है। वही सेफ्टी फीचर, 100% स्टेनलेस स्टील की बॉडी लगी हुई है, फूड ग्रेड मटेरियल यूज है इसमें। इसकी अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रति घंटे 28 से लेकर 30 KG इसकी प्रोडक्शन आती है जी। और अगर बिजली खपत की बात करें तो 1 घंटे में मात्र आपका 2.5 यूनिट के करीब ये बिजली कंज्यूम करेगी। तो राहुल भाई इसके अंदर जैसे आप कह करके चल रहे हो कि अलग अलग तरीके का अनाज पीस सकता है किसान, उसके अंदर क्या है कि किसी को पतला भी पीसना है, किसी को मोटा भी पीसना है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन रहती है इसके अंदर? देखो जी, जो ये मॉडल है इनके साथ आपको ये अलग अलग किस्म की जालियां मिलती हैं जी। आपने अगर मोटा दलिया बनाना है तो अलग जाली है, यानी मसाले के लिए। बातों में नहीं है सारी बात, प्रैक्टिकली है वो चीज की पीसेगी, काम कर रही है। ये लाइव वीडियो में ये सारी चीजें रख रही है, आपको एक एक करके हर एक मशीन में आपको ये पिसाई करके दिखा रहा हूँ, आटे से लेके मसाला दलिया दाना तक आप इन मॉडल के साथ पिसाई कर सकते हैं जी। दोस्तों देख रहे हो आप वीडियो में कितना जबरदस्त तरीके से ये जो मशीनें हैं ये काम कर रही हैं और प्रैक्टिकली सारा कुछ है। मैंने आपको शुरुआत में कहा था आपको ऐसे ही नहीं दिखाता मैं कोई भी चीज, प्रैक्टिकली आप देख रहे हो कि मशीनें काम कितनी जबरदस्त तरीके से कर रही हैं। साथ में ये जालियां दी गई हैं जिसके साथ में आप अनाज की जो मोटाई है उसको कम ज्यादा यहां से कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि केवल बातों में आपसे कह दिया गया हो कि अनाज मोटा पतला आप आसानी से कर सकते हो, तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। राहुल भाई अगले मॉडल की तरफ बढ़ूंगा, तो ये किन विशेषताओं से नवाजा गया है मॉडल? अब चिमा जी 3HP में ही कई मेरे किसान भाई हैं या जो खुद की चक्की चलाते हैं या जो अपना खुद का पैकेटिंग बना के मार्केट में सेल करते हैं, उनको मेन मकसद होता है कि हमें बेसन या मैदे की पिसाई करनी है। बिल्कुल। अब नॉर्मल चक्की में अगर आप सिंपल चक्की में जाओ तो उसमें बेसन भी नहीं निकलता, मैदा भी नहीं निकलता, तो हमने 3HP में ही ये मॉडल डिजाइन किया है जी। इसमें स्पेशली ये जो मॉडल है डबल चैम्बर वाला मॉडल है, ये आपका बेसन और मैदे का काम करेगा जी। इसमें फर्क क्या है, जो नॉर्मल चैम्बर होता है वो सिंगल चैम्बर है जी। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो डबल चैम्बर की ऑप्शन लगी रहती है जी। ये जो पीछे वाला चैम्बर है, पहले वो आपका अनाज को जो आपने पीसना है या दाल या चने की दाल आपने पीसनी है उसको बारीक टुकड़ों में करेगा, उसके बाद आगे वाले ग्राइंडर व्हील में आके वो एकदम महीन बेसन या मैदा बन के जाली के माध्यम से नीचे इकट्ठा होता रहेगा जी। यानी कि इसके अंदर ये एक डिफरेंस मिलने वाला है, बाकी प्रोडक्शन कितना होगा राहुल भाई? सब प्रोडक्शन इसका भी वही रहेगा, आपका अराउंड 30 KG प्रति घंटे की प्रोडक्शन आएगी जी। बिजली खपत की बात करें तो वो ये भी 1 घंटे में आपका 2.5 यूनिट के करीब बिजली कंज्यूम करेगी। बिल्कुल राहुल भाई, मॉडल जैसे जैसे बढ़ रहे हैं मैं देख रहा हूँ ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल। ये जो मॉडल है इसके अंदर क्या फीचर्स मिलने वाले हैं दर्शक भाइयों को? अब ये जो मॉडल आ जाता है जिनको और ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए उनके लिए हमने ये डिजाइन किया है, 4HP का सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग की मोटर के साथ लगा हुआ है। इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो प्रति घंटे ये आपका 40 KG तक का आटा ये पिसके देगा आपको जी। इसमें अगर अनाज है, मसाला है, आप लाइव वीडियो में देख रहे हैं, अभी मैं आपको इसमें जो पिसाई करके दिखा रहा हूँ कितनी महीन क्वालिटी का, इसमें बढ़िया पिसाई हो रही है बिल्कुल, और 100% सेफ्टी फीचर्स इसमें भी वही सेफ्टी फीचर्स लगे हुए हैं। और ये बिजली खपत की बात करें तो घंटे का आपका मात्र 3 से लेकर 3.25 यूनिट ये प्रति घंटे आपकी बिजली कंज्यूम करेगा। चीमा जी जितने भी ये मैं मॉडल्स आपको दिखा रहा हूँ हर एक में 100% कॉपर वायरिंग की मोटर लगी हुई है सिलिकॉन स्टैंपिंग के साथ जी। ये जो मॉडल है दोस्तों इसमें 4HP की सिंगल फेस की कॉपर वायरिंग की मोटर लगी रहती है। राहुल भाई इसके अंदर मैं नीचे अगर देख रहा हूँ गलत नहीं हूँ तो व्हील लगा दिया आपने? बिल्कुल जी। क्या फायदा मिलेगा किसान को? सर व्हील लगाने का फायदा ये है कि कई बार किसान ने मान लो जहाँ पे ये चक्की रखी है वहाँ पे सफाई करनी है या चक्की को आगे पीछे कहीं पे लेके जाना है जी, या कई जगह काम क्या होता है वो घर घर जाके आज की डेट में जो काम चल रहा है कि अपनी गाड़ी में चक्की रखी,
किसान भाई के घर पे ही हम गए, वहीं पे पिसाई कर दी। तो इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने पहियों की ऑप्शन दे दी है, ताकि इसको उठा के आगे पीछे ना करना पड़े, बड़ी आसानी से किसान लेकर के जा सकता है। यानी कि ये जो मॉडल रहने वाला है, जैसे बड़ा है काम ज्यादा करेगा, प्लस किसान इससे रोजगार भी कमा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। अगले मॉडल की बात मैं कर लेता हूँ राहुल भाई, तो इसके अंदर क्या फीचर्स मिलने वाले हैं? चीमा जी, ये जो मॉडल है 5 HP का सिंगल फेस मोटर के साथ ये मिलने वाला है। ये जो मॉडल साइज में तो बड़ा है ही है, उसी हिसाब से 5 HP की मोटर लगी हुई है, तो प्रोडक्शन में भी ये बड़ा आ जाएगा। ये अगर 5 HP के मॉडल में अगर आप आटे की बात करें तो प्रति घंटे आपका 50 kg के करीब आटा निकाल के देगा। वहीं अगर आप मसाला की बात करें तो 50 से लेकर 60 kg मसाला निकलता है। दलिया या दाना बनाना हो तो अराउंड 70 kg तक ये प्रति घंटे आपका दलिया या दाना बना के देगा। राहुल भाई, अगले मॉडल की बात मैं कर लेता हूँ, तो इसके बारे में मेरे दर्शक भाइयों को जानकारी दीजिए। और इसके अंदर मैं एक चीज देख रहा हूँ, 2-in-1 पल्वराइजर, ये क्या है कारण इसका? चीमा जी, ये भी जैसे मैंने आपको बताया 3 HP में भी हमने डबल चैम्बर लॉन्च किया, वैसे ही 5 HP पल्वराइजर में भी हमने डबल चैम्बर लॉन्च कर दिया है जी। ये जो हमारा मॉडल है 5 HP में सिंगल चैम्बर वाला मॉडल है जी, और ये जो मॉडल है 5 HP में डबल चैम्बर का मॉडल है जी। इसलिए इसको 2-in-1 पल्वराइजर कहा जाता है। ये आपका आटा चक्की का तो काम करेगा ही करेगा जी, साथ ही साथ आपकी बेसन मिल या आपने मैदा मिल करना है वो काम भी ये आपका करके देगा जी। यानी कि दोनों काम ये करेगा, 2-in-1 तभी है ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। राहुल भाई, मॉडल इतने सारे हो गए, खत्म नहीं होने का नाम नहीं ले रहे। ये जो मॉडल है ये सबसे बड़ा और सबसे यूनिक मुझे दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या फीचर्स डाल दिए? चीमा जी, अब आ जाता है जिन्होंने 100% जो लोग कहते हैं कि हमें तो जी कमर्शियल काम ही करना है जी। ये 5 HP तक के जितने मॉडल है ये चलते हैं सिंगल फेस पे, यानी कि आपके घरेलू बिजली पे। और ये जो हमारा 7.5 HP का है दोस्तों, ये 3-phase की मोटर लगी रहती है, यानी कि इसके लिए कमर्शियल कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा जी। कॉपर वाइंडिंग की मोटर होती है, सेफ्टी फीचर का इसमें भी ख्याल रखा गया है, साथ ही साथ ये प्रॉपर जो पैनल बॉक्स है वो भी साथ में ही मिलने वाला है जी। ये इसका प्रॉपर सेफ्टी फीचर है, आप इसी पैनल से प्रॉपर रीडिंग आपकी आएगी, ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं, सेफ्टी कंट्रोल इसमें है तीनों के। बिल्कुल सर, कि तीनों के आपके फेस पीछे से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं जी। अभी ये जो 7.5 HP वाला मॉडल है, इसमें अगर प्रोडक्शन की बात करें आटे की प्रोडक्शन की, तो प्रति घंटे अराउंड 70 kg आपका आटा बना के देगी। और वहीं अगर आप दलिया या दाने की बात करें तो 90 से लेकर 100 kg ये आपका 1 घंटे में दलिया या दाना बनाएगी। कोई भी मेरा दर्शक भाई है अगर आ जाता है पास में आपके, तो निराश करके नहीं भेजोगे, चाहे वो अपना काम करे या वो काम करे भाड़े का, बिल्कुल वो रोजगार की बात कर ले सर। फुल रेंज जी, 1 HP से लेकर 7.5 HP तक की फुल रेंज आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाई है जी। बिल्कुल राहुल भाई, एक और चीज मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जितने भी मॉडल यहाँ पर रखे हुए हैं इनकी जो बॉडी है ये स्टील की बॉडी में देख रहा हूँ। बिल्कुल, देने का क्या कारण है? आप लोहे की भी दे सकते थे, कॉस्ट कटिंग वहां पर हो जाती, 4 पैसे कंपनी को और बच जाते, स्टील की क्यों दी? सर, पहली बात तो अगर लोहे की बॉडी देते तो उसमें कहीं ना कहीं शॉक आने का चांस रहता जी। बिल्कुल, स्टील की बॉडी देने का 3 मेन कारण है। सबसे पहले तो हाइजीन के तौर पे स्टील बहुत आसानी से सफाई होती है, ना इसमें जंगाल लगेगा। बिल्कुल, दूसरा जो कारण है, इसमें जो स्टील हमने यूज किया गया है 100% फूड ग्रेड स्टील यूज किया गया है, क्योंकि अब जो इससे अनाज या मसाला हमने पीसना है वो हमारे छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उन्होंने खाना है, तो किसी की सेहत के साथ छिपर एग्री इक्विपमेंट से कभी भी खिलवाड़ नहीं किया है। बिल्कुल, यानी कि कहीं पर भी कंपनी कॉस्ट कटिंग नहीं करती। बिल्कुल, किसान के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कहीं भी नहीं करती कंपनी। राहुल भाई, फीचर्स भी जान लिए, सारा कुछ जान लिया, जो काम था इनका ना वो भी मेरे दर्शक भाइयों ने देख लिया। अब मैं चंद सवाल मैडम से भी करना चाहूंगा, ताकि मेरे दर्शक भाइयों को इनकी कीमत का भी पता चल पाए और गारंटी वारंटी का भी पता चल पाए, और साथ में इतने जबरदस्त मशीन दे करके उनका विचार है खरीदने का, तो वो खरीद भी पाए। बिल्कुल, नमस्कार। मैं हरे कृष्णा, मेरा नाम सोनिका छिबर है, मैं छिबर एग्री इक्विपमेंट से हूँ। हमारी कंपनी पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन कोटकपुरा में है। बात कर लेता हूँ इनकी गारंटी वारंटी की। कल को किसान भाई दर्शक भाई मेरा खरीद तो लेता है, कल को परेशानी उसे जाती है, कोई फॉल्ट आ जाता है, तो कंपनी गारंटी वारंटी पे किस तरीके से काम करती है? हमारा छिबर एग्री इक्विपमेंट माना जाता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए। हमारे सभी प्रोडक्ट्स पे 12 महीने की यानी 1 साल की वारंटी मिलती है, उसके बाद भी अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो हमेशा ही अवेलेबल मिलेगा जी। उसके बाद मैम, अब बात निकल कर के जाती है इनकी कीमत की, क्योंकि किसान भाई बहुत टाइम से बेचैन है इनकी कीमत जानने के लिए, तो
क्या कीमत रहने वाली है, साइड बाई साइड आप इनकी जो कीमत है वो मेरे दर्शक भाइयों को बताते चलें। बिल्कुल, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज का मॉडल है घरेलू यूज के लिए, इसका प्राइस मात्र 15,000 है और इसको मंगाने के लिए आप 4,000 एडवांस कर सकते हैं जी। ये जो दूसरा मॉडल है इसका प्राइस मात्र 21,000 है और इसके लिए भी आपको 4,000 एडवांस करवाना है जी। ये जो मॉडल है इसका प्राइस मात्र 27,000 है, 27,000, और इसको मंगाने के लिए भी आप 4,000 एडवांस करवा सकते हो जी। और ये जो मॉडल है इसका प्राइस 30,000 है यानी 30,000, और इसके लिए आपको 5,000 एडवांस करवाना है जी। ये जो मॉडल आप देख रहे हो इसका प्राइस मात्र 35,000 है यानी 35,000, और इसको मंगाने के लिए भी आपको 5,000 एडवांस करवाना है जी। ये जो मॉडल है इसका प्राइस 40,000 है यानी 40,000, और इसको मंगाने के लिए भी आपको 5,000 एडवांस करवाना है जी। अब ये जो मॉडल है इसका प्राइस मात्र 45,000 है यानी 45,000, और इसको मंगाने के लिए भी आपको 10,000 एडवांस करवाना पड़ेगा जी। और ये जो हमारा सबसे बड़ा मॉडल आप देख रहे हैं इसका प्राइस है मात्र 60,000 यानी 60,000, और इसके लिए भी आपको 10,000 एडवांस करवाना है। तो मैम ये तो हो गई इनकी कीमत, बड़ी शानदार आपने कीमत रख दी, लेकिन मेरे दर्शक भाइयों को आज क्या डिस्काउंट दे रहे हो इनके ऊपर? ये जो सभी मशीनें जो आप देख रहे हो जी, इनके ऊपर ये जो जाली सेट है ये आपको फ्री देंगे, ये 6 जाली हैं जी। आप देख सकते हैं किसी भी तरीके का मेरे दर्शक भाई को अनाज पीसना है हाँ, तो निराश नहीं होना, अलग से जालियां नहीं खरीदनी, आप कॉम्प्लीमेंट्री फ्री दे रहे हो। बिल्कुल, ये आप जाली अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, आपको मोटा पीसना है, आपको बारीक पीसना है, आप जाली से सेट कर सकते हो जी। तो ये जो है दोस्तों एक कॉम्प्लीमेंट्री आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इनके साथ में मिलने वाले हैं, चाहे आप किसी भी मशीन की बात कर लें या किसी भी आटा चक्की को खरीदने की बात कर लें। अब बात कर लेता हूं मैम मैं इनके खरीदने के प्रोसीजर की, किसान खरीदना चाहता है जो कंपनी आने का इच्छुक है वो कंपनी किस तरीके से आ सकता है, और जो घर पर बैठे खरीदना चाहता है तो घर पर बैठे हुए किस तरीके से इनको खरीद सकता है? पहली ऑप्शन है कि आप हमारी कंपनी को विजिट कर सकते हैं जी। हमारी कंपनी पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन कोटकपुरा में है जी। आप यहाँ पे आ सकते हैं और हमारे डेनो प्रोडक्ट और भी देख सकते हैं। घर बैठे मंगाने के लिए स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर बोलना चाहूंगी 9855219706, हमारा दूसरा नंबर है 9814231007। आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए। इन केस अगर आपकी कॉल नहीं उठाई जा रही तो हमारी कंपनी की तरफ से आपको बैक कॉल आएगा, तब आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। मैम कई बार क्या होता है, मैंने देखा है बड़ी सारी कंपनियां हैं, किसान कॉल करता है, किसान गुमराह होता है, परेशान हो जाता है, कई कई बार वो कॉल करता है, मान लो वो किसी एक सिंगल बंदे से परेशान है तो वो पूरी कंपनी को ब्लेम कर देता है, तो वहाँ पर अपनी कंपनी के साथ में क्या प्रोसीजर रहता है? बिल्कुल, इसके लिए आपके लिए हमने एक सोल्यूशन लिया है कि अगर आप कॉल कर रहे हैं आपकी कॉल पिक नहीं हो रही है, हमारा स्टाफ आपकी कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो आपने एक छोटा सा काम करना है, आपने स्क्रीन कैप्चर लेना है कॉल लॉग में जाके, जहाँ से आपने कॉल डायल किया है वहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लेना है और इस नंबर पे भेजना है 9855219706। ये पारुल भाई का नंबर है, आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा और आपका तुरंत ही हल करवाया जाएगा। आप लोगों ने आज की इस वीडियो में इन कमाल की आटा चक्कियों का जो काम था वो भी देख लिया, विशेषताएँ भी जान ली, खरीदने का प्रोसीजर भी जान लिया। आपको ये मशीनें कमाल की कैसी लगी हैं कमेंट के माध्यम से राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उन किसान भाइयों, उन दर्शक भाइयों तक जो किसान भाई दर्शक भाई मेरे बेरोजगार हैं, अपना कुछ काम करना चाहते हैं, रोजगार कमाना चाहते हैं या अपने घर के लिए लेना चाहते हैं, मिलावटी जहर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अच्छी क्वालिटी का आटा या अच्छी क्वालिटी के जो अन्य तरीके के मसाले हैं वो नहीं मिल पाते हैं, तो उनको किसान या दर्शक भाई मेरा घर पर बैठे हुए आसानी से तैयार कर ले, कहीं परेशान ना होना पड़े, कहीं भटकना ना पड़े, तो उन तक भी आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले पाएं। तो मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।